वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एग्रीकल्चर फाइनेंस का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हम जानते हैं जैसे हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है उनकी आजीविका चलाने के लिए तो उस फील्ड में फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट कर सके नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट कर सके जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो फार्म इनपुट जैसे कि फ़र्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स सीड्स इनको सही टाइम पे सही सोर्स से वो खरीद पाए और उनका और सही टाइम पर सो करेंगे तो उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो भी सही टाइम पे होगी और सही टाइम पे हार्वेस्टिंग हो होगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ का खतरा भी कम रहेगा और उनके जो क्रॉप फेलियर है उसका खतरा भी कम हो जाएगा जब उनने पहले ही पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स सब कुछ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स ये सब खरीद लिए तो पहले फिर वो पहले ही उनको अप्लाई कर देंगे जिसके कारण उनका जो खतरा होता है उनकी क्रॉप डैमेज का बाई इंसेक्ट पेस्ट डिजीज तो वो कम हो जाता है और उनकी क्रॉप अच्छे से ग्रो होके यील्ड सही टाइम पे आ जाती है तो एग्रीकल्चर फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों पे यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी और एक पूरे एग्रीगेट लेवल पे भी ओके सो नाउ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस एट वाइटल एंड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वोट एट मैक्रो एंड माइक्रो लेवल एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब ये हमारा कोर सेक्टर है एग्रीकल्चर इज अव अ कोर सेक्टर अगर इसका डेवलपमेंट होगा तो हमारी पूरी कंट्री का एग्रो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा इट इज़ प्लेइंग कैटेलिटिक रोल ये एक कैटेलिटिक रोल प्ले करता है कैटलिटिक मतलब कि बढ़ा देता है किसी की भी जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या क्या काम होता है वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है इसी तरह ये भी रेट को बढ़ा देता है ये फाइनेंस क्या होता है ये कैटेलिटिक रोल प्ले करता है हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इट इज इट इज प्लेंग कैटेटिक रोल इन स्ट्रेटनिंग द फार्म बिजनेस एंड ऑगमेंटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कर्स रिसोर्सेज ठीक है ये कैटेलिटिक रोल करता है फार्म बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में और ये प्रोडक्ट स्कर्स रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है बेन न्यूली डेवलप्ड पोटेंशियल सीड्स आर कंबाइंड विथ परचेज इनपुट लाइक फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन कैमिकल्स इन अप्रोप्रिएट और रिक्वेसाइड प्रपोर्सन विल रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी यदि हम सीड को सो कर रहे हैं और उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स भी डाल रहे हैं प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल भी जा डाल रहे हैं तो हमारी ऑबियस की सी बात है हमारी ईल्ड भी बढ़ जाएगी इसी इसलिए ये ऑगमेंटिंग रोल प्ले करते हैं फाइनेंस यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी अब नई नई टेक्नोलॉजीज की डिस्कवरी हो रही है नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं तो उनको परचेज़ करने के लिए भी एग्रीकल्चर फाइनेंस की जरूरत है और एक क्रिएशन टू इन फार्म असेट एंड फार्म सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाई लार्ज स्केल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज रिजल्ट इन इंक्रीज फार्म इनकम लेवल लीडिंग टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग ऑफ रूरल मास अब क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता जा रहा है जिसके कारण फाइनेंस की जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से मिल पा रही हैं जिसके कारण जो हमारे रूरल पीपल है उनकी इनकम बढ़ रही है इनकम बढ़ रही है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग भी बढ़ रहा है अब क्या होता है जो फार्म फाइनेंस है वो रिड्यूस कर देता है रीजनल इकोनॉमिक इम्बेलेंस को एंड इन इक्वली गुड इन रिड्यूसिंग द इंटर फार्म असेट एंड वेल्थ वेरिएशन अब क्या होता है कि एक गांव है एक विलेज है उसमें दो फार्म है ये एक विलेज है उसमें दो फार्म है तो उन दो मान लो कोई एक फार्मर है वो अमीर है और दूसरा फार्मर है वो गरीब है तो वो अपनी वो आईल्ड सील्ड नहीं ख़रीद सकता वो फर्टिलाइजर्स इतने अमाउंट में नहीं ख़रीद सकता तो वो क्या करेगा वो फाइनेंस के पास जाएगा फाइनेंस लेगा और फाइनेंस लेगा तो, फाइनेंस लेगा, तो फिर वो भी ख़रीद सकता है उसी अमाउंट में सीड्स एंड फर्टिलाइज़र तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उस अमीर वाले के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा कि जो इम्बेलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है फार्म के बीच में ठीक है इंटर फार्म में जो असेट का जो वेरिएशन है वेल्थ का जो वेरिएशन है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि जिसके पास नहीं है वो फाइनेंस लेकर अच्छी अच्छी एजेंसी से फाइनेंस लेकर वो भी अपने फील्ड में वो सब असेट वो सब वेल्थ रख सकता है फार्म फाइनेंस इज लाइक अ लिवर विथ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट माइक्रो एंड माइक्रो लेवल एच इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल अब क्या है कि जो इंडियन का एग्रीकल्चर है वो अभी भी हमारी ज़्यादातर जो फार्मर है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं सब्सिस्टेंस माने कि अपनी फैमिली के लिए ही उगाना क्रॉप्स को जैसे वो वेजिटेबल उगा रहे हैं तो वो उतना ही उगा रहे हैं जितना उनकी फैमिली खा सके और उसमें जितने भी जो लेबर लगे हुए होते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग में वो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं ठीक है ठीके? तो हमारे जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग को जिसके कारण क्या होता है यदि हम उन्हें एग्रीकल्चर फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट करेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो नई नई नए नए क्रॉप्स उगा पाएंगे और नए तरीके से उगा पाएंगे तो उसके लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है तो मासिव इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू कैरी आउट मेजर माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट देखिए जैसे हमें प्लांट लगाना है कोई भी इरीगेशन के लिए इरीगेशन चैनल्स लगाने तो उसके लिए भी पैसा चाहिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए फिर फिर इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट और फर्टिलाइजर होना चाहिए पेस्टिसाइड प्लांट होने चाहिए इंस्टॉल तो वो है ना ये प्लांट होंगे ये बहुत महंगे लगेंगे और एक्स एग्जीक्यूशन ऑफ़ एग्रीकल्चर प्रो प्रमोशनल प्रोग्राम के लिए भी एंड पुवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए भी तो उसमें हमें एक बहुत ही ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता है और ये रुपये की आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है ये नीड हमारी पूरी होती है एग्रीकल्चर फाइनेंस से इसलिए इन सब एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर हमें पुवर्टी एलिविएसन प्रोग्राम करना है या फिर हमें कोई भी एग्रीकल्चर प्रमोशनल प्रोग्राम करना है सेमिनार्स वेबिनार्स ये सब लगवाने हैं तो उसमें ऑब्वियस रुपये लगेंगे तो उन रुपए की नीड कहाँ से पूरी होगी तो वो रुपए की नीड पूरी होगी एग्रीकल्चर फाइनेंस से ओके तो, तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ क्रेडिट